अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमैला वसीम, कैसे हैं आप जी। अभी शाम का टाइम है, मेरी बहन है ना मुझे फ़ोन किया, कहती है हम लोग ना आपकी तरफ आएंगे 8 साढ़े 8 बजे। 2-3 दिन से मुसलसल मैं ही जा रही थी, मैंने कहा चले अब ना आप लोग आइएगा। कहती है अच्छा हम कल आएंगे। फिर अभी मुझे फ़ोन कहती है हम लोग आएंगे। मैंने घर सारा टोटली नीट क्लीन कर लिया, मैंने कहा उन लोगों ने, मैंने बिस्से वगैरह भी यहाँ पे चारपाई वगैरह नहीं बिछाई, मैंने कहा उन लोगों ने आना है तो बातें शातें करनी है, हंसी मजाक करेंगे। तो अभी मुझे फ़ोन करके दोबारा करी, नहीं देर बहुत हो रही है, आपना दूध बॉइल करिए, भाई और भाभी भी खाना खाने ऐसे करके गए, वो तो हम कल आ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा जी आप कल आ देना, चलो मानो आओ गाड़ी पर बैठो, मैं आपको जी बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ, मेरी मानो बड़ी अच्छी गाड़ी चलाती है। अब ओ जादू कर दिया जैफन, चलो बैठो। आए हाय आए हाय, देखो मेरी शहजादी कैसे गाड़ी चलाती, चलाओ गाड़ी जैफा, पीछे हट जाओ ना। आए हाय आए हाय, क्या बात है, गाड़ी चलानी है आपको। हाँ आपको बेबी बोलो, कैसे कहते हैं माम 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 माम, बोलो ट्विंकल ट्विंकल बजाओ, ट्विंकल ट्विंकल, ये देखो। आए हाय आए हाय, ये क्या करियो, ट्विंकल ट्विंकल भी करो ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कैसे करती हो करो। हाँ दीदी आप ये देखो ऐसे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पीछे हट, इतना अच्छा करी, ट्विंकल ट्विंकल व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड, नहीं माशाल्लाह माँ ककरे जाए, माशाल्लाह देखे दोनों बहन भाई कितने खुश होकर आराम से खेल रहे हैं। चा कर दो शन, चा कर दो। ओए ओए नान भाई आ गया जी, जनाब साइकिल चला के नानो घर से खाना शाना खा के आयो, क्या खा के बिरयानी, केले केले खाए। अल्लाह तू बाहर आ गई, बारिश हो रही है, कहाँ मछला है आपको, क्यों बाहर आई हो, पता नहीं बारिश हो रही है। हाँ ये देखा बारिश हो रही, चलो अंदर चले, चलो 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 जल्दी चलो, चलो उठा ला नान की साइकिल, माशाल्लाह इतनी बारिश थी अंदर नहीं होती। हाँ नान ने ना यहाँ से चेयर उठा कर ना स्पेशल यहाँ पे अंदर रखी है, सिर्फ और सिर्फ क्या अपनी ना साइकिल खड़ी करने के लिए। चिप्स नहीं है, समोसे लिए थे मैंने, वो फ्राई कर दूँ। ये देखिए ये समोसे पड़े हुए मैंने लिए थे ना, ये इनका फ्राई कर देती हूँ बच्चों को। अच्छा तो मासा वगैरह क्यों नहीं, वो तो करती हमने आना है, क्यों नहीं आई, अच्छा क्यों नहीं आई ये तो बताओ। वो देखो वो पहले घुसी है फ्रिज में। हाँ अच्छा मुझे कहती मैं दवाई लेके मैं तबियत ठीक हो, चलो आ जाओ बेबी आप आई रे, जाओ जाओ अभी भाई से ले लो, भाई से भी दे दो, मैं भी बच्चों को समोसे फ्राई करो। हाँ कहते मामा फ्राइज बना कर दो, आलू है नहीं तो ये मैंने ना दोपहर में लिए थे इनके लिए समोसे, मैं और ज्यादा दूसरी मतलब खाने लगी, तो मैंने कहा नान के लिए भी करते हैं तो फिर बैठ के खाते हैं। समोसे जी गर्मा गर्म फ्राई हो गया, और मेरी शहजादी अंदर केचप लेके गई है, मैं कुछ भी इसको दूना अंदर ले जाती है पकड़ के, रोटी भी लेके आती है अब तो। आए ला गंदा एक से काम चेक करे, आए हाय मेरे बहुत उल्टे काम करती है ना, दो बार हाथ मार दे केचप, केचप हमने भाई फेंक दिया, तो दूसरी केचप पड़ी थी मैंने कहा वो खोल लो। ये लो जी उधर हना साहब अपने बैठ के खा रहा है, इधर ये जैफा को करके दिया, जैफा ने एक ही खाना, एक मिनट का मैं खाना खाना, मानो ने सिर्फ केचप खानी है। देखा बेबी अल्लाह ताला कितने है, इतने दिन हो गया आपने नहीं बताया, देखिए जाऊं उसको दो ना एक समोसा, उसको दे दो उसने थोड़ा सा खाना दे दो भाई दे दो। बाजी खाना तो अभी आना नहीं जी, बच्चे खा रहे हैं अपनी चीज, ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में, दोनों की बड़ी लड़ाई होती है, तो इनके खिलौने रखती हूँ भाई, साइकिल और गाड़ियाँ यहाँ पे बिछाते हैं, हनान का बिस्तरा वेट करते हैं, वसीम का, वसीम ना देर से आ रहे हैं कभी मेरे ख्याल से रात को 12। हाँ 12-2 ऐसे करके ना एक व्लॉग इकट्ठे मिक्स हो जाते हैं फिर मुझे पता नहीं लगता, पर वसीम ना 1-2 दिन से ना लेट आ रहे हैं, फिर जिस दिन बाजार गए तो उसे एक दिन पहले भी रात को 2 बजे आए थे, ऐसे करके ना कहते काम है, अब रमजान आने अब बहुत काम होना है, तो कहते ऐसे कभी लेट कभी जल्दी ऐसे ही आ रहे, अभी भी कह रहे थे मैं आ जाऊँगा 8:30-9 बजे, तो 9:30 हो गए अभी तक नहीं, मेरे ख्याल से कायनात को लेके जॉब से उसके घर छोड़ के फिर ही आएंगे बच्चों का दूध पैंपर लेके। वो देखिए केचप खा रही है, ये इनके लिए ना खा लेते 7-6 बजे तक केचप के, वसीम की आदत, तो बस मेरी गंदी लाद पागल हो गई इनके पीछे ना, मैं तो खाई नहीं जैफा ही है कसम से, मैंने ऐसे कहा मैंने कहा मोशन लग जाएगा नाथ ने केचप खा, चलो भाई का बिस्तरा बिछाए, हाँ नान का जी बिस्तरा हमने बिछा दिया, वो देखे ऊपर चढ़ गई माशाल्लाह खुद ही, तुझे सुकून नहीं आता है ना, क्या करने
बनाया इधर आके तूने? हाँ जी, अब क्या हो गया? मोटा सा हो गया, समोसा रखा हुआ, मोटा सा हो गया, ड्रामे करता है। तो यहाँ पर जी हनान ही सोएगा, वहाँ पे मैं, वर्दा और हुज़ैफ़ा जैसे हम लोग सोते हैं, और इस चार पाई पे है वो वसीम सोएंगे। हाँ जी, चलो जी आज अपने अपने बिस्तर पे सोने की तैयारी करें। चलो जी, अभी थोड़ी छोड़ दो जान, अभी थोड़ी। हाँ जी, अभी तक मैं मोबाइल देख रहा हूँ, पापा ने आने 1-2 बजे। चलो बेबी करो, कैसे कर दियो? नहीं करना, कर दो। पूछो मम्मा, पापा किधर है आपके? बेबी कहो मम्मा, मा 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 मा। आए बेबी कहो मामा, बेबी को पापा, बेबी को मामा। माशाल्लाह। बेबी को मामा, बेबी को मामा, बेबी को मामा, बेबी को पापा। चलो को मामा करना इस बार से, मामा। चलो गो मामा, अब शौकी हो गई। यू आर पीछे तो हट। व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। माशाल्लाह। चलो जी खेलो आप लोग। हेलो जी, चा कर दो, चा चा। अल्लाह ताला कितने हैं? एक शब पे बाद पार कर दो, पार। ज़ैफ़ा भाई को बच्ची डालो, बच्ची डालो ज़ैफ़ा भाई को। आई सदके जाओ, आई सदके, चल नान भाई को बच्ची डाल ले। आई हाय, आई सदके जाओ, भाई को भी बच्ची डाल। आई सदके जाओ, चलो बस। गुस्सा आ गया बस। तो अभी मैं जाने लगा था, बाइक का काम करवाना था। इतनी सुबह दुकान खुल गई होगी? हैं, इतनी सुबह तो चले। और सुबह बाइक का काम करवाना था। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमेला वसीम, कैसे हैं आप? जब वसीम को काफ़ी देर काम पे गया, मैंने वसीम से कहा था नाश्ता करके जाएगा, पर कहते नहीं। वैसे भी जो हमारी गैस ना, बस ये इतनी सी आ रही है। तो अभी मैंने कल बनाए थे चने, आपने कल देखा वीडियो में दाल चावल थे, बोले क्या 2-2 दिन की वीडियो इकट्ठी होती थी। परसों जो वीडियो थी मैंने जल्दी दे दी, फिर परसों की भी थी, कल की भी थी, फिर जैसे मुझे सही लगता ना मैं वैसे वीडियो मैनेज करके दे देती हूँ। तो कल हमने पकाए थे काले चने, काले चने अभी गर्म हो रहे हैं, गर्म होते हैं, नान गया बाजार नान लेने। मैंने कहा नान ले, गैस तो आने रही, बच्चों को भूख लग गया, तो फिर नाश्ता वगैरह करवाते हैं बच्चों को, फिर बच्चों को बाइट साइकिल वगैरह रख दूंगी धूप में, वो बैठ के खेलते रहेंगे गली में, और मैं अपना घर का काम शाम कर लूंगी। नाश्ता हमारा जी आ गया है, नान नान ले आए मैंने, जो काले चने वो भी गर्म कर लिए बच्चों के लिए ना। वसीम रात को दही लेके आए थे, जब लेके आए थे हनान, तो मेरा ना सालन खा लेता, ज़ैफ़ा के कहा मामा मिर्चे, मामा मिर्चे, फिर ना दही के साथ बहुत शौक से रोटी खाता है। तो मैंने वसीम से कहा था, मैंने कहा इसके लिए दही लेना, फिर लेके आए थे तो मैंने दोनों को डाल दिया ना डिवाइड करके 2 कटोरियों में, तो मैं सालन साथ खाती हूँ, वो लोग दही के साथ खाते हैं। अपना नाश्ता कर दिया, फिर जाना है हनान के स्कूल कुछ देर में। आज संडे है, पर हनान का स्कूल ओपन है, उन्होंने लिखा हुआ था रात सर का मैसेज आया था 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक स्कूल खुला हुआ है। क्यों खुला है? क्यों ना, रीज़न ये है कि माँ बाप को सैलरियाँ वगैरह नहीं मिली, डेट कौन सी आ रही है, तो स्कूल ओपन ही नहीं हुआ अभी तक ना। जो कि रेगुलर क्लासेस लग रही हैं वो करें, जब सारे बच्चे बुक्स ले लेंगे तभी ओपन करेंगे, तभी जाओगे हनान का स्कूल, हनान के बुक्स और कॉपीज वगैरह ना वो हम लोग लेके आएंगे। चलो जी नाश्ता करते हैं जी। शहजादा मेरा इधर खड़ा हुआ है, इसको ऊपर चढ़ा दिया, इसने दही में भी हाथ मारे चना में भी, इसलिए हम इसको यहीं पर खड़ा करेंगे। बेबी मैंने नाश्ता कर लिया, बच्चे भी नाश्ता करे। हनान कहता मामा इतना रश था, इतने लोग आ रहे थे नाश्ता लेने, क्यों ना कि हमारे पूरे इलाके की गैस ना, आपने देखा मैंने सालन गर्म किया, इतनी सी आ रही, वो भी सुबह की। अब आई है, मैंने 2-3 बार वर्दा का दूध गर्म करके दिया ना, मैंने वो कपड़ा नहीं छोटे छोटे टाके होते वो उनको जला के फिर गर्म करके दिया, तभी नाश्ता कर लिया जी बस हमने। वसीम को देखो काम से छुट्टी नहीं होती, कि मन इतना मुझे गुस्सा चढ़ता है, मैंने कहा एक इतवार ही तो होते हैं, बंदे ने कहीं जाना होता है, बहन भाइयों की तरफ 100 काम होते हैं इतवार को, तो आज भी उसके बॉस कहते नहीं गेस्ट आने हैं, ये है वो लाजमी आना है, 5 बजे छुट्टी दूंगा, तो मैंने कहा 5 बजे आके टाइम क्या रह जाना है कहीं जाने का, तो आज भी हम कहीं नहीं जा सकते। जो लास्ट में हमारे घर आई थी हानिया सी, वो भी मुझे कहती आप हमारे घर आए, हर इतवार मुझे लारा लगाती, मैंने कहा आपके सामने ही है मेरा हर ब्लॉग, कोई ना कोई मसरूफियत बनी ही रहती है। ये लो जी ये लो,
आज भी उन्होंने वसीम को बुलाया, परसों भी मुझे एक ना उनके में यूट्यूब का चैनल क्या थी, आप या मैं तो जरूर चक्कर लगाएगा, आप जहाँ बच्चों की दवाई लेने आते ना हमारा वहाँ पे घर है, ये तो मैं मौसम क्लिनिक पर जाती हूँ। तो मैंने कहा वसीम को छुट्टी का बहुत ज़्यादा मसला, मैंने कहा मोस्ट वेलकम, अगर आपको टाइम लगे तो आप मेरी तरफ आ जाना। एक नश्तर क्लोनी रहती है, उन्होंने हमें इनवाइट, कितने लोगों ने इनवाइट किया, हमारे घर वसीम को छुट्टी नहीं मिलती, हम लोग कैसे जाएं। बहुत शुक्रिया जी, वो लोग इतनी इज्जत देते हैं, इस काबिल थी नहीं जिस काबिल मेरे रब ने मुझे बना रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ये लो जी, ये लो, चलो जी नाश्ता कर लिया, मैं बर्तन उठाऊँ और घर की सफाई करती हूँ। आ गए तीनों बहन भाई अपनी साइकिल गाड़ियाँ लेके आए हैं, खेल रहे जी धूप में बैठ रहे, हवा भी चल रही है। क्या लेना क्या, उधर तो कुछ भी नहीं है। घर जी सारा मैंने नेट क्लीन कर लिया, हनान भाई बैठ के अपने ट्यूशन का काम लिख रहे हो, जैफा अपनी साइकिल साथ गिरा, साथ में चाय बना कर लाई हूँ। कसम से गले में बड़ी दर्द है, बहुत बहुत ज्यादा दर्द है। मैंने सीम से सुबह कहा भी था, मैंने कहा अपना मेरे गोली ला देना गले दर्द की, और नजले की वसीम नहीं ला कर दे कर गए। मेरी बहन हुई रात को मुझे कह रही मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं इसलिए नहीं आई। मैंने कहा वो जो बोतल पी के तेरी तबीयत खराब हुई ना, उसी बोतल से मेरा गला दोबारा दर्द हो रहा है। अब वो बताया हम लोग अम्मी को दावत का कहने गए थे, अभी अम्मी जब उम्रे से आएंगी आप लोगों ने दावत पियाना, तो मेरे अबू इतने खुश हो रहे, कहते नहीं दावत ही दावत, अल्लाह तुम बोता दवा। मैं कहा नहीं अबू अम्मी आएंगी आप सबने लाजमी आना। मेरी बहन कहती सब ने, मैं कहा नहीं और दो बंदे थी दावत करी, मैं कहा सब भी आओगे। तो इंशाल्लाह जी खैरियत से मेरी अम्मी आएगी, अम्मी को लेने भी जाएंगे, उनकी दावत वगैरह भी करेंगे। और कह रही मुझे चाय ना फीटर में डाल के दो, पकड़ो मैं डाल के देती हूँ, पकड़ो थोड़ा सा दूध है ये चाय बना के लाती, इसको डाल के देती हूँ। अभी जी मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री, तो मैंने कहा अपनी वीडियो करते एंड व्लॉग आ गई, बहुत लंबा हो गया और मुझे इतने कमेंट्स आते हैं, आप ही आप अपना हमें नंबर दें, आप रब्ता नहीं करते, देखें माशाल्लाह से आप हजारों की तादाद में, और बहुत शुक्रिया, मैं इस काबिल नहीं थी। मैं आप व्लॉग में नहीं कहती, कसम खुदा बाकी मैं व्लॉग के अलावा भी कहती हूँ कि आप सब इतना मुझे प्यार देते हैं। मैं कहती थी मेरी सादी व्लॉगिंग है, हालांकि आप सब में कोई मिर्च मसाला नहीं लगाती, कोई चटपटी बातें नहीं होती मेरे व्लॉग में, कोई ये लड़ाई झगड़ा नहीं, तो फिर भी मैं कहती हूँ आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं। मैं व्लॉग से हट के भी ना ये माने दोनों हाथ जोड़ के अपने रब की तरफ ऊपर आसमान पर देख के शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक मैं इस काबिल नहीं थी जिस काबिल आपने मुझे किया, इतना सबका प्यार दिया। हालांकि मेरा चैनल छोटा है पर आप लोग जो प्यार देते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बहुत मेरी सोच से ज्यादा मुझे मिल रहा है। तो मुझे इतने कमेंट्स आते हैं आप नंबर दें, मैं नहीं हैंडल कर सकती, देखिए आप माशाल्लाह हजारों की तादाद में, मैं अकेली, मैं घर, मेरे बच्चे, मेरा व्लॉग, हर चीज, तो मैं नहीं मैनेज कर सकती। तो इसलिए मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम की आईडी देती हूँ शुमैला वसीम 15। आप कहते हैं आप ही आपकी एक और आईडी बनी है, वो फेक है, वो फेक नहीं, वो भी मैंने ही बनाई थी। जब शुरू शुरू चैनल बनाए थे ना हम लोग उसका पासवर्ड भूल गए थे, तो उसका पासवर्ड सही में नहीं है, वो भी मेरी ही आईडी है, पर वो मुझे पासवर्ड कुछ नहीं पता। पर अब जो है ना मेरी आईडी शुमैला वसीम 15 यानी 15, वो हमने इसलिए 15 का साइन लगाया, हमारी 2015 में शादी हुई थी, वो मैंने ऐसे हाथ रख के ना अपना फेस कवर किया, वो मेरी आईडी है। और वैसे भी मैं अपनी ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना इंस्टा का लिंक लाजमी देती हूँ, जिसने बात करनी, जिसने रब्ता करना कोई चैनल वगैरह कुछ भी, वहाँ पर जाके आप मुझे कर सकते हैं, मेरी मजबूरी है, मैं नंबर नहीं दे सकती ऐसे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं।